सीधे आना भाई, उल्टा क्यों आ रही है भैया? बहुत सामान ले रहे हो, मेरे लिए नहीं लाया। सो हे गाइस, दिस इज लोकेश एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है रात के 8 बजे और अभी मैंने निपटाया है अपना स्केचिंग वर्क, जो कि मतलब सुबह से जो मैं स्केच पे वर्क कर रहा हूं। तो यार, वो स्केच वर्क अभी कितना हुआ और कितना नहीं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और हमारे पास अभी 1 घंटा है, क्योंकि आज हमें जाना है शादी में। जी हाँ गाइस, शादी में जाना है, लॉकडाउन में, लॉकडाउन वाली शादी। तो लॉकडाउन वाली शादी है ये अपने मोनू भैया की। मोनू भैया को इंतज़ार नहीं हो रहा, मोनू भैया को शादी करनी है तो करनी है, अब लॉकडाउन हो चाहे कुछ हो। तो मोनू भैया की शादी में हमें आज जाना है। तो भाई, अब कोई आए चाहे नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स लोग का जाना ज़रूरी है। चुन्नू का फ़ोन आ चुका है, तो अभी सारे फ्रेंड्स लोग जा रहे हैं और 9:30 तक सब लोग मिलेंगे। तो मेरे पास 1 घंटा है अभी, 1 घंटा रेडी होने के लिए। तो अभी बहुत कुछ करना है यार। देखो बीएड मेड कैसी हो रही है और पसीना देखो यार, अभी जस्ट काम करने से ही उठाऊँ मैं, सुबह से वर्क कर रहा था तो टाइम हो गया। तो सबसे पहले तो मैं अपना वर्क दिखाता हूँ जो मैं कर रहा था, जिससे इतना पसीना बह चुका है। तो पहले स्केच देखते हैं, उसके बाद जल्दी से रेडी होते हैं। सकते हैं ये स्केच जो है अभी वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने अभी ओनली जो आंटी जी हैं वो बनाए हैं, यहाँ पे अंकल बनने हैं और यहाँ पे 2 किड्स बनने हैं। तो फुल फैमिली स्केच होने वाला है, तो इसमें यार टाइम लगेगा, तो इसमें तो टाइम लगना ही है। और कल की डेट तक हमें ये कंप्लीट करना है, बिकॉज रात में हम अंकल जी भी कंप्लीट कर लेंगे और दोनों बच्चे कल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कंप्लीट, और अभी हमें जो काम करना है उस पर देते हैं ध्यान। तो फ्रेंड्स, स्केच वर्क तो मैंने आपको दिखा दिया, इतना स्केच हुआ है। अब जल्दी से अपन को होना रेडी, इससे पहले कोई भी दोस्त आए सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है शानू घर पे आने वाला है। तो शानू तैयार होके आए, उससे पहले हमें रेडी होना पड़ेगा, नहीं तो बोलेगा, मेरी हमेशा की आदत है, इसलिए मैं 1 घंटे पहले का टाइम लिया है। तो जल्दी से उठते हैं और सबसे पहले शेड करते हैं अपनी बियर्ड, एकदम बाबा जोगी हो रही है जोगी। तो जल्दी चलो। मिरर भी गंदा हो रहा है, मिरर बाद में साफ करेंगे। ट्रिमिंग मशीन लेके आओ। लॉकडाउन के चलते कोई चीज़ सीखी हो चाहे नहीं सीखी हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ सीखी अपनी बियर्ड सेट करना। तो ट्रिमिंग मशीन है हमारे पास, तो अभी हम करेंगे अपनी बियर्ड को सेट। ज़्यादा अच्छे से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इसमें काम हो जाएगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको करके सेट। तो अभी हो रही है प्रेस, तुम्हारी ऐसी तैसी चिल्लड़ो ब्लॉग बनाने दो मुझे। सो गाइस, मैं हो चुका हूँ नहा धो के एकदम रेडी। और यार, मेरा प्लान में नहाना तो नहीं था, लेकिन नहाना भी पड़ा, इसकी वजह से और भी ज़्यादा लेट हो गया। बिकॉज यार, बियर्ड सेट करने के बाद बाल सब जगह फैल गए थे और पसीना भी काफ़ी आ रहा था। अब देख, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कर्व सेट किया है यहाँ पे, तो बियर्ड सेट हो चुकी है और मैं हूँ फुल रेडी। तो अब शानू बाहर आ चुका है और बाइक निकाल रहा है, जल्दी से चलते हैं अपन अब, क्योंकि सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सब सारा मामला खत्म हो चुका है, क्योंकि यार लॉकडाउन में इतनी परमिशन नहीं है, 9 बजे तक सब कुछ सब समय आना था टेंट। और अब जल्दी से मैं लगा लेता हूँ अपना चश्मा, ताकि मेरी पहचान लोक आर्टिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, चश्मा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है मास्क, मौज वाला मास्क। तो ये मास्क लगा के निकलते हैं जल्दी। तो मास्क लगाते हैं, 1 2 3। तो मास्क भी हो चुका है डन, अब निकलते हैं जल्दी से शादी में, आ रहे हैं। तो बड़े दिनों बाद निकली R15 और अब हम जा रहे हैं, बाय बाय, चलो बाय भैया। अबे तेरी, सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं आप? ललित सिंह, निकल जान दो यार, चलो दूल्हे भैया जा रहे हैं अपने। अरे यार, एंशेंट बधाई है भाई, फुल मजे करो, एंजॉयमेंट। इधर का और बात है, वो अपने लिए नहीं हो तो ये पूरा परिवार, अपन तो अंदर बैठ के खा लेंगे, आड़ में खा लेंगे, नहीं तो खाना क्या दिक्कत है भाई साहब? आपने खाना नहीं खाया? ये अच्छा यूट्यूबर है यार, खतरनाक। और उत्तू बेटा, हाँ
कितना खाना खा लिया तुमने? थैंक यू यार। सीधे आना भाई, उल्टा क्यों आ रही है? भैया बहुत सामान है, मेरे लिए नहीं लाया कुछ या? तो अपनी थाली तैयार है। कुर्सी कहाँ है? कुर्सी करण, कुर्सी देना। एक अरे अरे नचनिया आ गई। सिंधु के यहाँ बहुत ज्यादा माहौल है डांस का, ऊपर बहुत म्यूजिक चल रहा है, बहुत डांस हो रहा है, एकदम पार्टी चल रही है। कर रहा है भाई, आग लगा लो लुंडा यहाँ। थक नहीं रही है इसकी कमर? इसकी मटक है ना चुन्नी के बाद, कमर तो मटका दे तेरी कसम। ये अरे देखो ना यार भाई, फुल शादी का माहौल है, फुल शादी का माहौल है, मजा आया एकदम मस्त। सब लोग जा चुके हैं, सारा कार्यक्रम हो चुका है भाई, और जल्दी से दीपक। अबे